लड़के में वायरल आलिंगन फोटो मृत मृतेश्यू वीकलिफ बंद प्लांजेस के बाद मेयर केनो काउंटी शेरिफ टॉम ऑलमन ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बहुत सारे अज्ञात हैं, हालांकि हम कई चीजें जानते हैं। हम जानते हैं कि इस त्रासदी के दौरान एक पूरे परिवार गायब हो गया और मर गया। वॉशिंगटन परिवार के 5 सदस्यों को मार गिराए जाने के बाद उनके एसयूवी ने एक प्रशांत तट राजमार्ग चट्टान से चले गए और चट्टानी सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, अधिकारियों ने कहा। पीड़ितों की पहचान जेनिफर जॉन हॉट और सारा मार्गरेट हॉट दोनों के रूप में की गई थी। दोनों 38 और उनके बच्चे मार्टिन 1-9, अबीगेल 14 और यर्मियाह 14। अधिकारियों को डर है कि दंपति के 3 अन्य बच्चों देवोतिक 15, हन्ना 16 और सियेरा 12 भी मर चुके हैं। कह रहे हैं कि उनके पास विश्वास करने के लिए हर संकेत है कि सभी 6 बच्चे एसयूवी में थे जो तट के तट मेंडोकिनो के पास उत्तरी कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के करीब 150 मील की दूरी पर स्थित है। देवोंट 2014 में प्रसिद्ध हो गए जब वह ओरेगन के पोर्टलैंड में एक सफेद पुलिस अफसर के हथियारों में फंस गया था। सागर की स्थिति में सुधार के बाद बचाव दल ने लापता बच्चों को खोजने के लिए नौकाओं और विमानों में बुधवार को तटीय समुद्र तट का सामना किया। अधिकारियों ने एक समाचार विज्ञप्ति में बताया कि पीड़ितों ने उनकी मौत के लिए 100 फीट कम कर दिया था। परिवार के 2003 जीएमसी ने समुद्र से घूमने के बाद राजमार्ग को नजरअंदाज कर दिया था। एसयूवी तट पर एक दांतेदार चट्टान के ऊपर अपनी छत पर उतरा, लहरों को तोड़ने से घिरा हुआ था। कैलिफोर्निया राजमार्ग गश्ती के अनुसार मारे गए 3 बच्चे वाहन के बाहर पाए गए थे। दोनों महिलाओं ने सुरक्षा बंदी रखी थी जबकि 3 बच्चे नहीं थे। मेयर केनो काउंटी शेरिफ टॉम ऑलमन ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बहुत सारे अज्ञात हैं, हालांकि हम कई चीजें जानते हैं। हम जानते हैं कि इस त्रासदी के दौरान एक पूरे परिवार गायब हो गया और मर गया। उन अज्ञातों में उन्होंने कहा, भ्रामक दृश्य अधिकारियों को मिला जब वे सोमवार की अनदेखी की ओर देखते हुए एक यात्री ने एसयूवी को देखा और 9:11 कहा, कोई इसके डंक नहीं थे, कोई ब्रेक का निशान नहीं थे। ऑलमन ने कहा, इसका कोई संकेत नहीं था कि इस वाहन ने मिट्टी की चपेट से करीब 75 फीट की दूरी पर ट्रैक कर दिया और प्रशांत महासागर में चले गए। समाचार सम्मेलन में एलमन ने कहा कि कोई सबूत नहीं था कि गिरावट जानबूझकर थी। कैलिफोर्निया के राजमार्ग गश्ती अधिकारियों ने बताया कि वे जांच कर रहे हैं कि वाहन को दूर क्यों नहीं किया जा सकता है। हॉट हाल ही में वाल्डलुंट वाशिंगटन में रहते थे। अधिकारियों ने कहा, अधिकारियों का मानना है कि परिवार ने कैलिफोर्निया की थोड़ी यात्रा की योजना बनाई थी। जब वाशिंगटन में क्लार्क काउंटी शेरिफ के अधिकारियों ने परिवार के घर का दौरा किया तो उन्हें पता चला कि हट्स ने एक पालतू मुर्गियों और उनके अधिकांश सामानों को छोड़ दिया था। एसजीटी ब्रेंट वार्डेल ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, परिवार ने हाल ही में बाल सुरक्षा सेवा द्वारा दौरा किया। वार्डेल ने कहा, हालांकि शेरिफ के अधिकारियों को उनकी यात्रा के दौरान परेशानी या हिंसा के कोई संकेत नहीं मिले। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार सारा हॉट ने 2011 में मिनेसोटा में एक घरेलू हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया था। उसकी दोषी याचिका ने बच्चों के दुर्भावनापूर्ण दंड के आरोप को फेंक दिया था। डिवोंटे मेंडोकिनो अधिकारियों ने पोर्टलैंड पुलिस ब्यूरो से सीखा है कि परिवार वेस्ट इंडीज उरे में अपने पिछले घर से वुडलैंड में स्थानांतरित हो सकता है। देवोते के आसपास तीव्र मीडिया कवरेज के कारण जेनिफर हॉट ने एपी को बताया कि ग्रैंड जूरी के फैसले के बाद 18 वर्षीय माइकल ब्राउन की शूटिंग में अधिकारी डेरेन विल्सन का प्रभार नहीं लेने के बाद
परिवार आपके प्यार और दया के प्रसार के इरादे से मामला और फ्री हग्स परिवार फिर पास फर्ग्यूसन मिसौरी रैली में शामिल हो गया। पुलिस अधिकारी सार्जेंट द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार ब्रेट बानम भीड़ नियंत्रण में मदद कर रहे थे। जेनिफर हॉट ने कहा कि लड़का कंबल कर रहा था, आंसुओं के नीचे आंसुओं के साथ बर्नम ने देखा कि हॉट रैली में परेशान दिख रहा था और हॉट को अपनी मोटरसाइकिल पर आने के लिए प्रेरित किया। यह बताया गया था कि अधिकारी ने अपना नाम पूछा और अपना हाथ हिला कर दिया। उन्होंने देवोते से भी कहा कि वह स्कूल जाने पर वह गृह विद्यालय है। उसने इस गर्मी के दौरान क्या किया, वह अपने परिवार के साथ यूएस के आसपास यात्रा करता था और उसे क्या करना पसंद है। वह आंसू रोका, देवोंते से बात करते रहने के दौरान उसने जमीन पर निशुल्क हग्स चिन्ह को देखा और पूछा कि क्या वह गले लगा सकता है। देवोंते की तस्वीर पोर्टलैंड, जहां लोगों को फर्ग्यूसन में विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने एकत्र हुए थे, में एक रैली में अधिकारी गले फोटो लफा। जॉनी गुयेन के अनुसार फेसबुक पर 400,000 सेकंड अधिक पसंद किया गया है और टम्बलर पर 168,000 बार फिर से पोस्ट किया गया था। उनकी गले को दुनिया भर में गले लगाया कहा जाता था। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने कहा कि यह दिल के लाखों पिघल गए। कुछ लोगों ने हालांकि यह सोचा था कि यह दौड़ संबंधों का एक भ्रामक प्रतिनिधित्व था।